नमस्कार फ्रेंड्स, सुशीला किचन में आज बहुत टाइम बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही जल्दी बनने वाली बहुत ही इजी रेसिपी है। ये एक डेजर्ट है जो कि अब गर्मी का मौसम है और हम इसे ठंडा ठंडा सर्व करने वाले हैं। इसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो देखिए, ये हम ब्रेड से बनाने वाले हैं। ब्रेड की ये मैंने कटिंग की है, ये देखिए। ब्रेड को हम ऐसे काट लेंगे, आप चाहे तो किसी और शेप में काट सकते हैं, कोई आप बिस्किट के मोल्ड से काट सकते हैं, गोल सर्किल में काट सकते हैं, स्क्वायर में काट सकते हैं, जो आपका मन करे उस शेप में आप ब्रेड को काट सकते हैं। ब्रेड का ब्राउन हिस्सा हट जाएगा। उसके बाद जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए एक तो रबड़ी। ये हम दो तरह से बनाने वाले हैं, एक हम रबड़ी का बना रहे हैं, एक हम कस्टर्ड का बना रहे हैं। दो तरह से हम बनाने वाले हैं। आइए देखिए हम कैसे बनाते हैं। ये हमने एक पीस लिया ब्रेड का, इस पर इस तरह से हमने रबड़ी लगा दी। रबड़ी लगा के ऐसे हम छोड़ देंगे और फिर एक और पीस की रबड़ी लगा दी, ये देखिए। ये रबड़ी हमने मीठी बनाई है, मीठी रबड़ी। चीनी आपको जैसा टेस्ट चाहिए, कम चीनी पसंद करने वाले कम चीनी, बिल्कुल फीकी बनाना चाहिए आप बिल्कुल फीकी भी बना सकते हैं। ये दो पीस पर हमने रबड़ी लगा ली, इस पर हम थोड़ा सा ये बादाम डाल देंगे, थोड़ा सा बादाम डाल देंगे। रबड़ी है तो बादाम तो बनता है, ये देखिए इस तरह से। ये हमने थोड़ा सा दूध मीठा किया हुआ है, इसकी जगह आप पतली चाशनी भी ले सकते हैं, बट हमने थोड़ा सा दूध मीठा कर लिया। इस दूध में इस तरह से इसको हम डिप कर लेंगे, डिप करके और फिर इसको हम स्क्वीज करेंगे। ये है नारियल का बुरादा। नारियल के बुरादे में मैंने थोड़ा सा लेमन कलर डाला है, आप चाहे तो इसमें दूसरा कलर डाल सकते हैं, आप चाहे तो बिना कलर का भी बना सकते हैं। इसको हमने इस तरह से स्क्वीज कर लिया, अंदर रबड़ी है, बादाम है। अब इसको पूरा का पूरा ये कोकोनट पाउडर में हम इस तरह से कर लेंगे, ये देखिए ये ऐसे सारा हो गया। देखने में बहुत सुंदर लगेगा ये और खाने में तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ये हमने ऐसे प्लेट पर रख दिया और इस पर थोड़ा सा हम पिस्ता डाल देंगे, ये कटा हुआ पिस्ता इस पर ऐसे डाल देंगे। अब हम बना रहे हैं कस्टर्ड से, ये देखिए ये बन गया। ये अब हम बना रहे हैं कस्टर्ड से। ये हमारे पास कस्टर्ड है, ये मैंगो के पीस कटे हुए हैं, कस्टर्ड, मैंगो और ब्रेड, बस तीन चीज से बनने वाली है ये हमारी मिठाई। ये सेम तरीका है, इस पर हमने कस्टर्ड लगाया, इस पर कस्टर्ड लगाया, ये देखिए। कस्टर्ड लगाने के बाद इसमें हम मैंगो के पीस रख देंगे, ये देखिए इस तरह से। बहुत ही जल्दी बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है ये देखिए। अब आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी मिठाई हमारी घर में बन जाती है, ये देखिए। इसको भी सेम हम इसी तरह से कोकोनट पाउडर लगाएंगे, ये देखिए चारों तरफ से हम इस पर कोकोनट पाउडर लगा देंगे। और ये हमारी कोकोनट पाउडर के साथ इस पर आप एक मैंगो का पीस रख सकते हैं, या चाहे तो कोई और फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं, या पिस्ता तो फिर हमारे पास कटा हुआ है ही है। बहुत ही जल्दी बहुत ही टेस्टी हमारा ये डेजर्ट बन गया है। इसी तरह से आप चार पीस, पांच पीस, छह पीस आप फटाफट बना लीजिए। ये सारे मैं बनाने वाली हूँ और अब मेरी प्लेट बिल्कुल रेडी हो जाएगी और आपके गेस्ट बहुत एंजॉय करेंगे, आपकी फैमिली मेंबर्स भी बहुत एंजॉय करेंगे। ट्राई कीजिए और मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जरूर कीजिए। ये हमने ब्रेड से रबड़ी चमचम बना लिया, मैंने आज इस मिठाई का नाम रबड़ी चमचम रखा था। तो एंजॉय कीजिए, हैप्पी समर।